ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं डॉक्टर पवन प्रजापति, श्री गुरु कृपा आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र से। मित्रों, आज आपका परिचय आयुर्वेद की एक बहुत अद्भुत औषधि, बहुत ही दिव्य औषधि से करवाने जा रहा हूँ। मित्रों, ये काफ़ी विशाल वृक्ष जो दिखाई दे रहा है, यह सालमल्ली का है। मित्रों, सेमल का वृक्ष है। मित्रों, ये गाँव में से शिमला कहा जाता है। आचार्य चरक ने इसकी बहुत प्रशंसा की है। मित्रों, बहुत ही दिव्य औषधि। मित्रों, ये देखिए आप, काफ़ी विशाल घना वृक्ष होता है। भारत के लगभग सभी स्थानों में पाया जाता है। ये काफ़ी विशाल वृक्ष होते हैं, बहुत बड़े बड़े वृक्ष होते हैं। ये देखिए आप, ये अभी पुष्पित अवस्था में। मित्रों, मार्च का जो माह होता है, इसमें यहाँ पुष्पित अवस्था में होता है। इसके पश्चात मई में इसमें फल लगेंगे। ये देखिए आप, यदि किसी को पिंपल्स हो जाते हैं, उसमें सालमल्ली के कांटे को लेकर, ये तो काफ़ी बड़ा वृक्ष है, परंतु जो छोटा वृक्ष होता है उसमें कांटे लगे होते हुए देखिए आप, ऊपर लगे हुए हैं ये कांटे लगे हुए। इन कांटों पर को ले करके अच्छी प्रकार से पीस लें एवं दूध से पिंपल्स के ऊपर लगाएं, अपने फेस पे लगाएं, चेहरे पे लगाएं, तो आप देखेंगे निरंतर कुछ माह तक उसका उपयोग करने से जो पिंपल्स हो गए, झाइयाँ हो गए, वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी। एवं किसी प्रकार की कोई गर्मी हो, शरीर में दाहत जारी हो, किसी प्रकार की कोई गर्मी हो, तो उसके लिए सेमल मुसली का आयुर्वेद शास्त्र में बहुत सुंदर ढंग से उसका उपयोग किया गया है। मित्रों, ये विशाल वृक्ष है, इसमें तो मुसली उस प्रकार से प्राप्त नहीं होगी, परंतु जो छोटे वृक्ष 4 से 5 फीट के होते हैं, उसको अच्छी प्रकार से खोद लें एवं सुखा करके पीस के पाउडर बना लें। दांत जारी हो, स्पर्म की कमी हो, किसी प्रकार की शिथिलता हो, तो आप देखेंगे इसका कुछ माह तक निरंतर धीरे धीरे आप सेवन करेंगे, तो शिथिलता एवं स्पर्म की कमी, दांत का जाना, दुर्बलता, कमजोरी इत्यादि सभी प्रकार की तकलीफ धीरे धीरे करके आप निरंतर सेवन करेंगे तो ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए आप, और इसके पुष्प, ये देखिए आप, ये जो पुष्प हैं, ये देखिए आप, इसके पुष्पों का भी उपयोग हम कर सकते हैं। इसके पुष्पों का पाउडर बना लें सुखा करके अच्छी प्रकार से, एवं किसी प्रकार की कोई गर्मी हो तो उसमें भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं। जलन हो रही हो, एसिडिटी बन रही हो, तो निरंतर कुछ माह तक सुबह इसके जो पुष्प हैं उन्हें ले लें हम, एवं सुखा करके पीस के रख लें। सुबह नित्य खाली पेट 1 चम्मच यदि हम निरंतर लेंगे, तो आपकी जो पेट की गर्मी है या शरीर में किसी प्रकार की दूसरी गर्मी हो, पित्त बढ़ा हुआ हो, तो वहाँ भी धीरे धीरे करके सही हो जाता है। ये देखिए आप, जिसकी रचना देखिए आप, बहुत ही सुंदर वृक्ष। मित्रों, ये देखिए, बहुत प्रशंसा की गई आयुर्वेद शास्त्र में। मित्रों, इसकी आचार्य चरक ने तो बहुत ही प्रशंसा की, मित्रों, चरक सेता में। ये देखिए, परंतु कुछ लोग देखने के पश्चात भी इन औषधियों का उपयोग नहीं करते। मित्रों, निरापद औषधि हैं, किसी प्रकार के कोई दुष्परिणाम नहीं, इसके किसी प्रकार का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं इसका। मित्रों, ये देखिए आप, बहुत विशाल वृक्ष है। ये देखिए, चारों तरफ अभी पुष्पित अवस्था में है, बहुत ही सुंदर इसके पुष्प दिख रहे हैं। आज आपका परिचय मैंने सालमल्ली से कराया। देखे समझे एवं उपयोग करें।